गुड मॉर्निंग सारे नूं, सत श्री अकाल सारे नूं। किवें सारे खूब सारे बहुत वधिया ते चढ़दी कला दे विच होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तंदुरुस्त ही चाहीदे हो, सेहतमंद ही चाहीदे हो। बाबा जी तुहानूं हमेशा चढ़दी कला दे विच रखन, तुहाडे घर विच बरकत पाउण। ते इत्थे आपां ब्लॉग स्टार्ट करन चले आ, अज तुहानूं नवां ब्लॉग दिखाउण चले आ। कॉन्टीन्यू बने रहो प्लीज़, पूरे ब्लॉग पूरा देखिया करो, सो दैट थोनू भी पता लगे भी ब्लॉग दे विच की है। प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिया करो। एंड बहुत घट व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ यार इदा ना करो, है ना। बहुत सपोर्ट की लोड़ है मैनू थोड़े, सो प्लीज़ आओ, वेलकम टू माई ब्लॉग एंड फुल वॉच करो। हूँ बने रहो ब्लॉग दे विच, मिलते हैं आपां तुहानू जाके अगे ब्लॉग दे विच। हुण पहुँच गए आपां मार्केट। मार्केट कित्थे गए सीगे, बाला तां मेरा कोई काम नहीं सीगा, तुहानू पता बुटीक दे दो चार काम ने। इत्थे डाई वाले दे गई सीगी, डाई वाला वीरा है नहीं सीगा, मैं इधर उधर देखती रही पर वीरा है नहीं सी, वो आए नहीं। मैं वेट भी की पर वो आए नहीं, पर मेरा समान बाहर उन्होंने ऑलरेडी कढ़िया पिया सीगा, तो मैं देख रही सी। वो कहिंदे सी वी दीदी थोड़ा समझा जो भी किवें किवें डाई कही है। तो अजकल टाई डाई का बहुत फैशन है ना, मैं टाई डाई दी सलवारां बनाउण नूं जी कर रहा, वह बनाउण दी सोच सी। इत्थे आ गया हनीत स्कूलों, इन्ना उहदे च बैठी सी, इहदे पापा गए हुए सी किते। मैं इहनूं कह रही सी वी तूं सौं जा है ना, कहिंदी सौणा नहीं हैगा, तुसीं सौं जाओ, मैं पापा दी बह के वेट करदी हाँ। जे तां मन बाहर चले जांदे ने तां वी इन तांग जी लगी रहिंदी है ना, भी पापा आउणगे। जे उह घर आ जांदे ने फिर उहनां नाल लड़दी रहिंदी है, फिर उहनां कोल जांदी नहीं, फिर मेरे आले दुआले होई रहिंदी आ। उह इन्ना कहिणगे भी तूं मैनू कह, है ना, भी मैं पापा का पुत हाँ, मैं पापा का पुत हाँ। कदे नहीं कहूगी, हमेशा कहूगी मैं मम्मा का पुत हाँ, है ना। नहीं तो कुड़ियां तो हमेशा पापा का पुत कहंदियां हुंदियां ने, पर यह कदे नहीं कहती, हमेशा कहूगी मैं मम्मा का पुत हाँ। वह फिर ये खिज जाते हैं, फिर वह कह देंगे ने मैं तेनों कितने नहीं लैके जाना है, ना मैं तेनों नाल लैके जाना है ना। प्यो धी का प्यार कहते मावां का पुत्तां नाल हुंदा, प्यों का धियां नाल हुंदा। आ देखियो इन्ना प्यार किया जिमें अमन नूं मिली नहीं हुंदी हैगी, जबकि स्कूलों अमन ही लैके आए ने, आ लैके छड्या बस। वह फिर काम चले गए सीगे, डाई डूई फड़ाउणी सीगी ते कढ़ाइयां वालियां तो सूट फड़ के लियाउणे सी हैंड एम्ब्रॉयडरी वालियां तो, है ना। तो इत्थे आ गया सी अमन, उन्हां दा पार्सल प्योती पार्सल खोल रहे ने। इन्नी मोमो ठगड़ी है ना, इन्हें की करना है देख लैना, भी जिहदे वल पलड़ा ज़्यादा भारी हुंदा उधर नूं हो जाती है पापा, फिर पापा का पुत भी असीं मिंट च बन जाने हैं, है ना। जे तो पापा कोई नवी चीज़ है फिर पापा दे पुत, जे मम्मा कोई नवी चीज़ है फिर मम्मा दे पुत, क्योंकि जे मम्मा ना सौना है, मम्मा की बांह लैनी है, फिर मम्मा दे पुत, जे नहीं तो पापा दे पुत। बहुत ज़्यादा मोमो ठगड़ी है, इन्नी ज़्यादा खराब है ना। कहिंदे अमन कहिंदे हुंदे ने, कहिंदे इन्नी छेती तो गिरगट भी नहीं रंग बदलता, वह भी हौली हौली बदलता है, तो बड़ी छेती गिरगट तो भी ज़्यादा छेती रंग बदलती है, है ना। तो इत्थे अमन ने मंगाया सी कुछ पायादान जिहा, मतलब कार दे ना मूहरे डैशबोर्ड ते रखण नूं भी कोई भी चीज़ स्लिप ना करे। तो मैं लगता इहदे विच फोन भी स्टैंड हो जाता, पता नहीं की है, मैं थोनों दिखाउनी आ। देखो अमन खोल के थोनों अनपैक करके दिखाते ने की है, समझ मैनू भी नहीं आया की है, बस मैनू इन्ना समझ आया भी ये उत्ते एक बॉल जी लगी हुई सी, और बॉल जी दे विच बस की कहिंदे ने फोन सैट कर सकते, फोन खड़ा सकते, बस ये चीज़ सी। हनीत ने तो जिहड़े नंबर जे आए सीगे पाड़ भी तोड़ भी दिते, पता नहीं की सीगा, जो मैं लगता डबल टेप नाल जुड़ूगा, उन्होंने नाल डबल टेप भी दिती सी, पर अमन नूं समझ नहीं आया की है। अमन कहिंदे कार च ला के देख के ही फिर पता लगूगा भी की है। आ जिहड़ा गोल जिहा ना ये कहते फोन टिकूगा, अमन ने मैं फोन टका के भी दिखाया सी, मैं थोड़ा दिखानी आ, देखियो फोन टका के देखते हैं, पर मैनू नहीं लगता टिकूगा। ये तो ना मैं कहनी ज या तो एमाजॉन वधिया या फ्लिपकार्ट वधिया, यही दो चार साइट्स वधिया ने जिहड़ी आप उही साइट्स देख के चीज़ मंगा लें ना। जिवें भी कोई आपां नूं कह दिंदे ने इंस्टाग्राम तो साइट्स होंदे आ बेकार होंदिया, मैं तो हुण एक बार दो बार कन्नी हत्थ लगे ने मेरे, मुड़ के नहीं मैं उत्थों समान मंगाया। मैं अमन नूं भी कह रही सी पर मनदे नहीं। आ देखियो हनीत ने हले तक यूनिफॉर्म नहीं लाई, सिर्फ उपरला कोट लाता ते आहा हुडी पा ली, पर जिहड़ी स्टॉकिंग आ जिहड़ी ये रोज़ पा के जाती है, ब्लू स्टॉकिंग पा के जाती है स्कर्ट नाल, वह हले तक नहीं तारी। देखो कल नूं धोण नूं हो जाऊ, इस करके हुण कल नूं यूनिफॉर्म नहीं पा के भेजूंगी, कल नूं मैं इहनूं ना दूसरी ड्रैस दे विच भेज दूंगी, क्योंकि इहनां दे स्कूल दे विच कोई इन्ना मैटर नहीं करता हैगा उस ड्रैस पाओ ना पाओ, क्योंकि इहदी क्लास च तां मैनूं लगदा यही एक या दो बच्चे ही ने जिन्हां ने जिहड़े ड्रैस पा के जाते हैं, अदरवाइज़ सारे बच्चे सिविल दे विच ही हुंदे ने, जिहड़ी कैजुअल ड्रैस हुंदी है, है ना, बच्चों की घर वाली। तो इत्थे पहुँच गए आपां किचन दे विच, हुण करांगे रोटी पानी दा, सब्जी बनाई अज मैं आलू पकौड़े, जिन्हें जिन्हें जिन्हों जिन्हों पसंद ने आ जाओ खाइए, तो जिन्हों जिन्हों वधिया लगते हैं आलू पकौड़े वह भी कमेंट करियो, जिन्हों नहीं वधिया लगते वह भी करियो, क्योंकि थोड़े सारिया दे विच एक अमन भी ने जिन्हां नूं आलू पकौड़े बिल्कुल वधिया नहीं लगते, वह कल्ले विचों आलू चुग चुग के खाणगे। हले तो मैं अमन नूं दस्या नहीं हैगा भी मैं
आलू पकौड़े बनाए ने उन्हां नूं तां मैं आलू न्यूट्री कहा सी, आलू न्यूट्री तां उन्हां दी फेवरेट है। आलू पकौड़े जब दोनों को पहुँचणगे ना डिनर दे विच फिर देखे चीकदे वी तू तां मैनूं कहिंदी सी आलू न्यूट्री बनाई है ते आलू पकौड़े बना ले है ना। इत्थे मम्मी ते मैं पता नहीं की डिस्कशन जी लगे होए आ, हनीत नूं रोटियां पकवांदे सी सच मम्मी, मम्मी उहदा चकला बेलना चक्की बैठे सीगे, फिर आ प्लेट मम्मी मैनूं फड़ा के गया कहिंदे इहदे विच छाणस सीगा वी जिहड़ा हनीत मतलब उह करके ना आटे नूं उहनूं फिर बेलदी सीगी वी उह इहदे च ही पा दे गऊशाला वाले विच। आ डब्बा सी स्पैशल गऊशाला दा लाया होया, इह फ्रिज ते ही रखदे होंदे आ, इक फ्रिज ते हुंदा गऊशाला डब्बा ते एक हुंदा उत्थे थोड़ा जा जिवें असी की करदे आ सुक्का जिहड़ा कूड़ा हुंदा ओह अड रखदे आ ते जिहड़ा गिला कूड़ा हुंदा ओह अड रखदे आ। जिहड़ा उपर है इहदे विच लफाफा पा के डब्बे दे विच आपां गिला कूड़ा इन द सेंस जिहड़े पील कीते होए छिल्लड हुंदे ने है ना, या लसन दे छिल्लड़ प्याजां दे छिल्लड़ या होर भी छिल्लड़ हुंदे ने ओह आपां ओह डब्बे च पाउने आ, ते जिहड़े चाह पत्ती वगैरह इस चीज़ां हो गईआं ओह आपां गिला कूड़ा इधर एक साइड ते मेरे डब्बा लाया हुआ उहदे च पाउने आ। ते एक मेरे इत्थे ना मतलब सैंक ते फ्रिज दे बचाले एक डस्टबिन रख्या होया उहदे विच आपां पाउने आ जिवें रैपरस वगैरह हो गए, मतलब वह भी सुक्का कूड़ा ही हो गया है ना, बिकॉज सानू इत्थे म्यूनसिपल कारपोरेशन चो टोटली इंस्ट्रक्शन आई सीगी वी गिला कूड़ा अड सिटना ते सुक्का कूड़ा अड सिटना है ना। वो असी ऑलरेडी शुरू तो ही करते हाँ, असी हुण नहीं जदों इंस्ट्रक्शन आई उदों नहीं करन लगे, असी शुरू तो ही जद ही मैं व्याह के आई हाँ मैं तो मम्मी का ही देखती हाँ भी तीन डस्टबिन लगे हुए हैं साडे किचन दे विच है ना, ते जिहड़ा उत्थे डस्टबिन आ वह इको ही डस्टबिन आ पर लफाफे अड अड हो जाते हैं क्योंकि असी सारे डस्टबिनस दे विच ना पॉली बैग पा के फिर कूड़ा उहदे च करदे आ, फिर वह कूड़ा उवें ही पॉली बैगस बंद हो के उवें ही अड अड सिट दिंदे आ, फिर असी उन्हां नूं दस दिंदे हुंदे आ वी आ गिला कूड़ा आ सुक्का कूड़ा है ना। इत्थे बर्तन धो के वॉश करते मैं सारा काम नबेड़ लिया, किचन का खाना खुणा असी बना लिया, तो हुण असी मैं बस मैनूं लगदा 6:30-7 बजे तक खाना नबेड़ लैनी आ, खाण जदों मर्जी जिन्हें जदों जी करदा उदों खाना खा लैंदे ने, मैं 6:30 नबेड़ दिंदी आ फुलके ला के सब्जी बना के सारा मतलब चटनी कुट ली सी अज उह सारा कुछ नबेड़ लिया सीगा क्योंकि किसी का जी कदों रोटी खाण नूं करदा किसी का जी कदों आ। देखो हनीत नूं हुण उह खाणे सी कहिंदी मैं राइस क्योंकि मैं दुपहरे राइस बनाए सीगे, हनीत कहिंदी मैं राइस खाणे ने, सुत्ती उठी सीगी बेटैमे सौ जांदी है ता करके ये भी मैं गर्म करके लियाई सी, पहला इनू खवावांगे फिर मैं ते अमन रोटी खावांगे है ना। अज मैं अमन नाल कर रही सी लड़ रही सी, मैं क्या भी अमन आपां ना थल्ले बह के खाना खाया करिए या चेयरस ते बह के खाना खाया करिए, भी मैं बैड ते खाना नहीं खाना हैगा मैनू, मैं हसदी सी मैं क्या मैं सारिआं नूं कहनी आं भी बैड ते खाना नहीं खाना चाहिए, बैड ते खाना नहीं खाना चाहिए, और मैं आप ही बैड ते बह के खाना खानी आं, मेरी एक सिचुएशन ही यही जी बन जांदी आ मैं की करां, मेरी ना कोई सैटिंग नहीं बन रही खाना खाण दी। हुण मैं ट्राई करना भी जिहड़ा साडा आह कारपेट बिछाया होया इहदे ते कोई चीज़ बिछा लिया करांगे उत्थे बह के खाना खाया करांगे, हुण मैं उपर बैड ते बह के खाणा नहीं, मैं अमन नूं कहना जिन्नी देर भी खा हुंदा असी है ना मैं ट्राई करिया करूँ भी थले बह के असी खाणा खाइए, थले बह के असी खाणा तां नहीं खांदे क्योंकि असी दोनों तां बह जांदे आ, फिर हनीत ना थले भूंजे फिरी जांदी आ उहनूं ठंड लगन दी डर हुंदा है ना, बस इस करके मेरी प्रॉब्लम आ जांदी आ, नहीं तां फिर देखदे आ चलो ट्राई करदे आ कल तों असी खाणा, बिकॉज़ कहिंदे बहुत ज़्यादा बुरा हुंदा बैड ते बैठ के खाणा खाण नाल करजा सिर ते चढ़दा, इह मैं थोनूं वी सारिआं नूं टिप दिंनी आ वी सिर ते बहुत करजा चढ़ जांदा जे आपां बैड ते बैठ के खाणा खाने आ। मैं भी ये गलती करदी आ, मैं थोनूं उही तां कहनी आ मैनूं पता होण दे बावजूद भी मैं ये गलतियां करदी आ, इंसान है इंसान गलतियां करदा है ना, इस करके मैं ट्राई करना मैं भी अपने आप नूं चेंज करन दी कोशिश करूंगी है ना। ते इत्थे आ प्यो धी दा प्यार फिर उमड़ गया, हुण पापा नूं प्यार आ रिहा, सवेरे हनीत नूं प्यार आ रिहा सीगा हुण पापा नूं प्यार आ रिहा। एक्चुअली ना मेरे नाल गुस्से है, मैं फोन फड़ लिया, मैं कहा भी सारा दिन फोन फोन फोन, मैं तो फोन खोलिया मैं कहा भी लिया फड़ा मैं फोन चार्ज ते भी लाउणा हुंदा किसे टाइम है ना, ते आप खिजी मच्छी पई है पापा उहदे उन्हों बड़िया रहे ने है ना, पापा तो पापा भी परा कर दिया, पापा की इन्नी जोर की दंदी भी वड्डी है ना, अमन कहते मेरी चीक कड़ती इन्नी जोर की दंदी वड्डी आ देखो हूँ ना लत्तां मारूगी क्योंकि खिजी पई है, खिजदी तो इन्ना ज़्यादा है मतलब जिहड़ी चीज़ कहती वह मेरी है बस मैं वह करनी है भी वह चीज़ मैनू चाहिए है जे ना दो तो खिज मच जाती है पूरी तरह है ना। अमन उन्होंने बड़िया रहे ने, अमन कहते अज आप खेडिए मैं तेन होर फोन दे दिना तू मम्मा वाला फोन ना लै है ना, ना मतलब कितने मानना है बाप, अमन कहते मैं तेरे दंदी बढ़दा तू मेरे दंदी बढ़ी सीगी ना हुण मैं तेरे दंदी बढ़दा, प्यो धी का प्यार ही यह जहा हुंदा है ना। कहते धीआं नूं मेरे मैं तुहानूं सच्ची दसा मेरे डैड भी मैनूं बहुत प्यार, जब अमन इहनूं प्यार करदे ने ना मेरे मम्मा कहते हुंदे ने चलो मैं तो अपने डैडी देखे नहीं है
ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਉ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਊਂ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਤ ਆਈ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਅਮਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦ ਹਨੀਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਨੀਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਮਨ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਸਿਰਫ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਛੱਡਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੁੱਤ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ, ਪੁੱਤ ਫਰੂਟਸ ਖਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਜਾ ਆਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕਮਲ ਨੂੰ, ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਦਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਮਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਨ ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਲੜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉੰਨੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੱਸਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਸਪੋਰਟ ਟੂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੌਗ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਟਰਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੀਦੀ ਬਲੌਗ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਲੌਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।